डिस्प्लेसमेंट मेथड हमने आधा कर लिया, उसमें दो रिजल्ट और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो मेडिकल वालों में तो आ ही जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या था कि इस ऑब्जेक्ट की दो पोजीशंस है कन्वेक्स लेंस में ताकि इमेज स्क्रीन पे बन सके। तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या किया, हमने 4F वाला रूल तो कर ही लिया था, आज किया अभी। इसके अंदर ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन निकाल ली इसने। कैसे निकाली? इसने लेंस का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि डी डिस्टेंस है यू और वी में, तो इमेज को इसने डी माइनस यू पुट करके क्वाड्रेटिक यू में बना ली। हमने वी में बनाई थी, यू में बना ली, यू में क्वाड्रेटिक बना के इसने यू के दो पॉइंट्स निकाल लिए कि इन ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे इमेज स्क्रीन पे बनती है। अब जब तुमने यू यू वन लिया, ऑब्जेक्ट का साइज ओ था, इमेज जो बनी वो आई वन साइज की बनेगी, क्योंकि यू अलग है तो वी अलग आएगा, और जब मैंने यू चेंज किया, यू टू किया, तो इमेज का साइज चेंज हो जाएगा, बनेगी स्क्रीन पे, पर दो इमेजेस के साइज आएंगे। इस ऑब्जेक्ट को यूज करके आई वन आएगा, इस ऑब्जेक्ट को यूज करके आई टू आएगा। तो ये करना नहीं है मैथ्स, इसका फॉर्मूला डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जो ऑब्जेक्ट का साइज है और दो इमेजेस के साइज आएंगे उनका ये फॉर्मूला हाईलाइट कर लो, ये आता है, ये तो नीट के अंदर सीधा फॉर्मूला भी मार्क करने को मिलेगा। ओ इज इक्वल टू रूट आई वन आई टू, ये आएगा, ओ इज इक्वल टू रूट आई वन आई टू। आई वन आई टू क्या है? इमेज के साइज है, ओ मतलब ऑब्जेक्ट का साइज है। नंबर टू, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा फॉर्मूला ये नोट करें, जो फोकल लेंथ है लेंस की वो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय फोर डी है, वेयर एक्स का मतलब है कि जो दो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस आए। बेसिकली हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करवाते, हम लेंस को मूव करवा देते हैं। तो लेंस कितनी पोजीशन मूव किया वो एक्स है, और डी तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का डिस्टेंस है ही है। तो ये फॉर्मूला नोट करें फोकल लेंथ का, ये काम आ सकता है।